टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई वेलकम यू टू द क्रैश कोर्स ऑन इकोनॉमिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है कैपिटलिज्म इज एन एनिमी ऑफ नेचर। कैपिटलिज्म नेचर का एनिमी किस तरह से है? तो पहली बात, कैपिटलिज्म इज वर्सेस नेचर, इट्स नॉट विद नेचर। क्यों? क्योंकि साइंस हैज बीन क्रिस्टल क्लियर, साइंस क्रिस्टल क्लियर रही है कि भाई इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहे हैं और ओशन एसिडिफिकेशन का इशू है, क्लाइमेट क्राइसिस में हैं और इकोसिस्टम्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और ये सब क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज की पोल्यूशन की वजह से। अब हमारी दुनिया इस टॉक्सिक वेस्ट के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रही और हमारा प्लानट जो है वो एक सवाल में आ गया है कि इसका एग्जिस्टेंस आगे रहेगा या नहीं। अब ये इतना बड़ा इशू हो गया है, फॉर 40 ईयर्स, 40 साल से ज़्यादा वक्त गुजर गया है और साइंस हमें बता रही है कि इन टॉक्सिक वेस्ट्स के क्या नतीजे निकल रहे हैं और आगे चल के क्या नतीजे निकलेंगे। नॉर्थ पोल में आइस ख़त्म हो रही है जो कभी तारीख में नहीं हुआ था, अब वो आइस द आइस इज ब्रेकिंग डाउन। साउथ पोल में यही हो रहा है और कंट्रीज़ में यही हो रहा है, जो आइलैंड्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। तो उस पे हमारी दुनिया नहीं सोच रही क्योंकि वो कैपिटलिस्ट है और कैपिटलिज्म के लिए प्रॉफिट मींस मोर देन वर्ल्ड, प्रॉफिट मींस मोर देन ह्यूमंस, इंसानों के से ज़्यादा प्रॉफिट की मीनिंग होती। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़, कैपिटलिज्म एनिमी ऑफ नेचर क्यों है? क्योंकि उसमें प्रॉफिट मोटिव पे चीज़ें चलती हैं। अगर ये प्रॉफिट में है कि फॉसिल फ्यूल बर्न किया जाए जिससे दुनिया तबाह होगी और रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ न की जाए, तो फॉसिल फ्यूल ही बर्न किया जाएगा, जबकि रिन्यूएबल एनर्जी एक बेटर सोल्यूशन हो सकती है पर वो नहीं यूज़ की जाएगी। इसी तरह प्रॉफिट मोटिव की वजह से उस टॉक्सिक वेस्ट की कोई भी इकोलॉजिकल अकाउंटिंग नहीं है कि इसके इकोलॉजिकल कौन से कॉन्सिक्वेंसेस निकल रहे हैं, उसकी कोई अकाउंटिंग हो वो नहीं है। तो अगर प्रॉफिट में है कि प्लैनेट को डिस्ट्रॉय किया जाए तो डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो ये हो गया प्रॉफिट मोटिव जिस पे पूरा कैपिटलिज्म चलता है। उसके बाद प्रोडक्शन फॉर मार्केट ओनली। तो कैपिटलिज्म में प्रोडक्शन मार्केट के लिए होती है और फ्री मार्केट का असूल होता है कि कामयाबी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट क्रिएट किए जाएं, प्रोड्यूस किए जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स बनाए जाएं। तो रैपिड प्रोडक्शन रिक्वायर करती है फ्री मार्केट। तो रैपिड प्रोडक्शन मतलब रैपिड वेस्ट अगेन, तो वो तो होगा ही। कोई पब्लिक ट्रांजिट अच्छी अगर दी जाए ताकि प्राइवेट अपनी गाड़ी लेने की ज़रूरत न पड़े तो एक बेटर सोल्यूशन हो सकती थी, पर पब्लिक ट्रांजिट इतनी बुरी होती है कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ में कि आपको अपनी गाड़ी लेनी होती है और उससे ज़्यादा पोल्यूशन होती है। उसके बाद कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अनप्लान्ड होती है। इसकी वजह से, अनप्लान्ड इकोनॉमी की वजह से इरेशनल और इलॉजिकल डिसीजंस ली जाती हैं। जो चीज़ें जिसकी ज़रूरत नहीं है वो बनाई जाती हैं और जिस चीज़ों की ज़रूरत है उनको नहीं देखा जाता, तो उसकी वजह से भी एक वेस्ट बनता है। उसके बाद होता है अनकंट्रोलेबल ग्रोथ। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स होती है वो अनकंट्रोलेबल ग्रोथ में यकीन रखती है। और किसी ने सही कहा था कि ग्रोथ फॉर सेक ऑफ ग्रोथ इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ कैंसर सेल। ये कैंसर सेल की आइडियोलॉजी होती है कि ग्रोथ फॉर सेक ऑफ ग्रोथ हो। तो कैपिटलिज्म में ग्रोथ फॉर सेक ऑफ ग्रोथ होती है और कंटिन्यूअली प्रोडक्शन रैपिड की जाती है और उसकी वजह से वेस्ट होता रहता है। तो इसमें क्या होता है कि वर्किंग क्लास के राइट्स भी ख़त्म होते रहते हैं, उनको कम से कम पे किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाने की बात होती है। और अगर उस प्रॉफिट बनाने की वजह से प्लानट तबाह हो तो तबाह होने दिया जाए। तो इसी वजह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स जो है वो नेचर की दुश्मन है और वर्किंग क्लास की दुश्मन।